अरे गोकुल की गलियों ने देखी, अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी, अरे नन्ना कान्हा छोटा कान्हा दिखता है भोला बड़ा, पर चुटकियों में आसमां से चांद है लेके उड़ा। आंटी के सीरियल परमावतार श्री कृष्ण में आज नन्हे कान्हा ने ले लिया है बड़ा प्रण, वो भी अपनी सबसे पसंदीदा चीज माखन ना खाने का। दरअसल अपनी माँ यशोदा से इजाजत लेकर कान्हा आए थे जंगलों में अपने सखाओं के साथ गैया चराने, और तभी उन्हें लग जाती है भूख और सभी सखाओं के साथ कान्हा भी बैठ जाते हैं खाना खाने। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं दो नन्हे बालक। कान्हा छीना झपटी करके ले लेते हैं उनकी पोटली, ये सोचकर कि उसमें मिलेगा उन्हें माखन। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सिर्फ उन दो बालकों ही नहीं बल्कि उनके किसी भी सखा के पास माखन नहीं है, वो सब सिर्फ सूखी रोटी खाकर काम चलाते हैं। अब ऐसे में कान्हा ने कर लिया फैसला कि जब तक उनके बाकी सखाओं को माखन नहीं मिलेगा वो खुद भी माखन नहीं खाएंगे। तभी वहाँ पहुँच जाती हैं राधा, और अब सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ कान्हा ही नहीं उनके सभी सखाओं को भी मिले पेट भर कर माखन। क्योंकि कंस मामा रोज रोज हमारे घर से और ग्वालों के घर से मक्खन चुरा लेते हैं, दूध चुरा लेते हैं, दही चुरा लेते हैं, इसलिए मैंने प्रण लिया है जब तक माखन नहीं मिल जाता ग्वालों को, मेरे सखाओं को, किसी को भी, तब तक मैं माखन नहीं खाऊंगा।